अस्सलाम वालेकुम तो रियल मी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन अनवील हो चुका है द रियल मी सी पैंसठ स्मार्टफोन जो कि यकीन बहुत ही ज्यादा एक आलीशान और एट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आता है रियर साइड पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो यकीन ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी वन सीरीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है रियर साइड पर वर्टिकल शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ में एल डी फ्लैश लाइट दिया गया है और स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का होने वाला है लेकिन ये जो बैक साइड ये ग्लॉसी चमकीले फिनिशिंग के साथ आता है दो दो कलर्स में मेनवील हो चुका है एक ग्रीन कलर है जो कि एक काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है और एक ब्लैक कलर है जो कि मैट फिनिशिंग डिजाइन के साथ आता है और बॉटम साइड पर रियलमी की ब्रांडिंग भी दी गई है ये स्मार्टफोन एक बॉक्स फ्रेम के साथ आता है और ये जो फ्रेम में प्लास्टिक का दिया गया है जो कि सेवन पॉइंट सिक्स एम थिक है और वन एटी फाइव ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट दिया गया है स्मार्टफोन साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है और आई की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है रियलमी सी पैंसठ स्मार्टफोन में दिया गया सिक्स पॉइंट सेवन इंच का एक एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला आई पी एस डिस्प्ले जो कि नाइनटी हर्ट के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा एक सेंटर पांच कैमरा दिया गया है और स्मार्टफोन छह सौ पच्चीस मिनट की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ आता है रियलमी सी पैंसठ स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर दिया गया उसने एक मुझे डिसअपॉइंट जरूर किया है एक बार भी सी मीडिया हीलो जी एटी फाइव का प्रोसेसर दिया गया है जो कि ट्वेल्व एन एम पर है और माली जी फिफ्टी टू का जी पी ओ दिया गया है ये जो स्मार्टफोन है एक सौ अट्ठाईस जी बी और आठ दो सौ छप्पन जी बी वाले वर्न में अनवील होने वाला है जो कि ई एम सी के स्टोर टाइप के साथ आएगा और स्मार्टफोन जो है वो एंड्राइड फोर्टीन के साथ आएगा और रियलमी आई फाइव के वर्जन पर बेस्ड होगा स्मार्टफोन के प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन है चार अप्रैल को वियतनाम में लॉन्च होने जा रहा है और काफी ज्यादा चांसेस है कि ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तानी मार्केट में 20 अप्रैल तक अनवील कर दिया जाएगा रही बात प्राइस की तो मैं समझता हूँ कि जो पैंतीस स्मार्टफोन में दिए गए हैं उस हिसाब से तो ये जो स्मार्टफोन है रियलमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है तीस पैंतीस हज़ार के हिसाब से ये अगर आता है तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक गुजारे वाला स्मार्टफोन बन जाएगा रियलमी सी पैंसठ स्मार्टफोन के रेट सही पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जो मेन कैमरा है वो पचास मेगा पिक्सल का एक्सपेक्टेड है और बाकी जो दो सेंसर है वो फालतू के सेंसर है जो कि उस किसी भी काम के नहीं होंगे जबकि ए पी एच पर रिकॉर्डिंग कर सकेगा और फ्रंट पर भी टेन ए थर्टी पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकेगा रियलमी सी स्मार्टफोन में पांच हजार की बैटरी दी गई है और ये स्मार्टफोन पैंतालीस वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा टाइप सी पोर्ट एडफोन जे और ये स्मार्ट स्मार्टफोन एक सिंगल स्पीकर के साथ आएगा रियलमी सी स्मार्टफोन यन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है और वो स्मार्टफोन आफकोर्स सैमसंग के स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अब रियलमी आजकल कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहा है पहले ये जो है आईफोन से इंस्पिरेशन ले रहे थे सी सीरीज के मामले में और अब एक बार फिर से सैमसंग को कॉपी करने जा रहे हैं उम्मीद है कि अगली बार शामी को कॉपी करेंगे लेकिन ओवरऑल गर्दी का ये तो लुक यकीन काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है बाकी जो स्पेक्स है वो आर्डनरी है लेकिन अगर ये एग्रेसिव प्राइस में लांच हो जाता है तो यकीन उसकी अपने प्राइस के हिसाब से ये वो चलने वाला स्मार्टफोन ज़रूर है इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं चल पाएगा चलने वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली है बट एक्चुअल बात है प्राइस की प्राइस कितनी आती है अगर ये स्मार्टफोन अंडर थर्टी के में आते तो यकीन ये, ये वन ऑफ़ द बेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा इंतजार करते रहिएगा अल्लाह हाफिज़